वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में हम आपको गंगा सागर की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो हमने अपने कैमरे से शूट की हैं और गंगा सागर के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राम प्रताप वर्मा, आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्लॉग लाइव चैनल। गंगा नदी का जिस स्थान पर संगम हुआ है उस स्थान को गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर तीर्थ एक सुंदर वन द्वीप समूह है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 43 गांव हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 1,60,000 है। इसी स्थान को गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इसी द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ मैनग्रोव की दलदल, जलमार्ग तथा छोटी छोटी नदियाँ और नहरें हैं। इस द्वीप पर ही प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन हिंदू श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है, बस एक मील का स्थान निश्चित है जिसे मेले की तिथि से कुछ दिन पहले संवारा जाता है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था जिसे सागर बहा ले गया, जिसकी मूर्ति अब कोलकाता में है। अब यहाँ एक अस्थाई मंदिर बना है। इस स्थान का कुछ हिस्सा 4 वर्षों में एक बार ही बाहर आता है, बाकी 3 वर्ष जलमग्न रहता है। इसीलिए कहा जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ के 60,000 पुरखे मतलब पूर्वज कपिल मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर राख हो गए थे और उनके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने शिव जी की कठोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाए थे। गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं को छोड़ते हुए राजा भगीरथ के पीछे पीछे हिमालय के पहाड़ों से हरिद्वार के मैदान में उतरी। उसके बाद काशी होते हुए प्रयाग आई और वहां से कलकत्ता पहुंची। कलकत्ता से डायमंड हार्बर होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में राजा भगीरथ के 60,000 पितरों के भस्म के ऊपर से गुजरती हुई उनका